बरगी विधायक ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, पेंडिंग कामों को जल्द निपटाने के दिए आदेश। सेंड मद की राशि से स्कूल बनवाया जा सकता है। शैपुरा भिटौनी में मार्च क्लोजिंग के पहले सारे दो साल के काम निपटा दो। जनपद कार्यालय शैपुरा में बरगी विधायक संजय यादव के साथ SDM तहसीलदार, जनपद CEO, CMO, नगर परिषद एवं सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में विधायक निधि के सारे कामों को जल्द करवाने के साथ विधायक निधि का अधिकांश पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगाने को कहा गया। इसके अलावा सुदूर सड़क, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी, गौशाला आदि पेंडिंग कार्य को मार्च के पहले करने एवं सरपंच निधि की राशि स्कूलों में खर्च करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक ब्लॉक में कुल 209 आंगनवाड़ी बनी है, वहीं 133 आंगनवाड़ी की आवश्यकता है जो अधिकांश प्राइवेट जगहों पर लग रही है, जिसके लिए प्राइवेट कंपनी, वन विभाग आदि के फंड से करवाने का प्रस्ताव कलेक्टर के पास रखा जाएगा विधायक द्वारा। वहीं बाल आंगनवाड़ी में 22 लाख रुपए की राशि देने की जानकारी दी है। और इसके अलावा प्राइमरी मिडिल स्कूल 324 ब्लॉक में बने हैं, जिसमें 175 स्कूल जर्जर हालत में हैं। उनको सुधारने की राशि की मांग विधायक से शिक्षा विभाग ने की एवं शैपुरा ब्लॉक के लिए विधायक निधि से 22 प्रोजेक्टर दिए गए, ताकि बच्चों को कोचिंग क्लास के लिए भटकना ना पड़े। इसके अलावा PHE, वन विभाग, RES, खाद्य विभाग में राशन कार्ड में सूची से नाम कटने, कम राशन मिलने, आवास योजना में किस्त और पट्टे, पानी, सड़क, बिजली आदि समस्याओं को लेकर बैठक में रखा गया, जिसे सारे विभाग के SDM, तहसीलदार, जनपद CEO से दूर करने को कहा गया। बैठक रखी गई थी आपके द्वारा, किन किन मुद्दों के बात हुई, क्या निराकरण हुआ? एक मिनट देखिए, हर त्रैमासिक समीक्षा बैठक होती थी, कोरोना संकट काल के कारण अभी बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने SDM साहब से कहा था, तो SDM साहब ने बड़ी तत्परता से बड़ी तत्काल यहाँ समीक्षा बैठक रखी। वो जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो हल नहीं हो पाती हैं या उनका प्रयास कैसे हो, समस्त अधिकारियों ने अपना यहाँ अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, क्या क्या कमी आ रही है। महत्वपूर्ण हमारा जो उद्देश्य है कि आने वाले समय में पानी और राशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी जनता के, जो राशन, बिजली, या जो सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा कि हम स्कूल एक अभियान चला रहे हैं कि हम स्कूल अच्छे से अच्छा बना सकें। राशन की एक बात आई है, अभी दो दिन पहले एक धरना दिया गया था यहाँ पर, कोरोना काल में लोगों को बहुत अच्छा राशन मिला, लेकिन अब ये समस्या आ रही है कि लोगों के नाम काट दिए गए हैं, चार चार पांच पांच महीने से उनको राशन नहीं मिल रहा है। उसके बारे में बात हुई, उसके बारे में आपको SDM साहब बताएंगे डिटेल में। आपके खाद्य अभी राशन कम आ रहा है, तो जैसे 5 किलो जिसको गेहूं मिलता है उसको बात चल रही है सूची से नाम ची में कुछ भोपाल से कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो भी हो रहा है वो भोपाल से हम लोग प्रयास करेंगे, SDM साहब भी चिट्ठी लिखेंगे। हमारा प्रयास ये है कि स्कूल, हम स्कूलों की ओर, मैंने विधायक निधि से स्मार्ट क्लास दी है यहाँ, कि गांव के बच्चे मोबाइल ना होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे, शहर के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसके लिए मैंने विधायक निधि से अपनी राशि से स्मार्ट क्लास बनाने के लिए इस जबलपुर जिले में पहली बार किसी विधानसभा में स्मार्ट क्लास बनती है। समीक्षा बैठक जो बहुत लंबे समय से लंबी थी, विधायक जी ने टाइम दिया आज, उसके कारण ये आज जो भी खंड स्तरीय अधिकारी इसमें शामिल हुए और विधायक जी के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। जो अंतर विभागीय समस्याएं होती हैं उनमें परस्पर बात हुई है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लक्ष्य में पूरे किए जाने थे लेकिन अभी लंबित रह गए हैं, उनको मार्च के पहले पूरा किए जाने का निर्देश अध्यक्ष महोदय की ओर से दिया गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोकहित के काम जो लंबित हैं काफी समय से, वो सर के निर्देश के अनुसार हम समय करा लेते हैं। पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।